हेलो दोस्तों, कैसे हैं? शिमला के जायके में मैं आज बनाने जा रही हूँ सीरे का हलवा। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी रसोई में। चलो शुरू करते हैं। मैंने पहली वीडियो सीरे की बनाई थी कि सीरा कैसे बनता है, तो अब मैं सीरे का हलवा बनाऊंगी। इसका हलवा काफ़ी टेस्टी बनता है, तो आप हलवा बनाएं चाहे सीरे की बर्फ़ी, तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये हमारे पहाड़ की रेसिपी है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी सीरे की ली है, तो मैं इसे पानी में भिगोऊंगी। मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी, तो 2-3 मिनट के लिए इसे रख दूंगी, तो ये जल्दी पानी में घुल जाता है। सीरा हमारा भीग चुका है, तो मैंने इससे थोड़ा पानी निकाल लिया है, तो ये भी पानी मैं इसी में मिक्स कर लूँगी। तो मैं थोड़ा इसे अच्छी तरह से घोल लेती हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। सीरा अच्छी तरह से घुल चुका है, तो इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अब हम इसे बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रखेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालूंगी। हमें इसे जल्दी जल्दी घुमाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। गैस को हमने मीडियम रखा है। हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे, तो जैसे इसमें ज़रूरत पड़े थोड़ा थोड़ा देसी घी डालते रहे। देसी घी में ही टेस्टी बनता है। और इलायची पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जितना हम इसे हिलाते रहेंगे उतना ये टेस्टी बनेगा। गैस को हमने मीडियम रखा है, तो ये जो हलवा है इसकी ताव से ठंडी होती है, तो एक तरह की गर्मियों में काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हम चीनी डालेंगे, तो आप चीनी का भूरा भी डाल सकते हैं। इस तरह ज़रूरत के अनुसार इसमें घी डालते रहे और इसे अच्छी तरह हिलाते रहे जल्दी जल्दी। तो अब हमारा सीरा तैयार ही हो चुका है। फाइनली हमारा सीरे का हलवा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू, किशमिश और नारियल को ग्रेट करके डाला है, तो इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें केसर भी डाल सकते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसे सर बॉल में डालूँगी। मैंने सर बॉल में निकाल के रख दिया है, तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। मैंने टेस्ट करने के लिए छोटी कटोरी में निकाल लिया है, तो अब मैं बताती हूँ कैसा बना है। काफ़ी टेस्टी बना है। ये रहा हमारा सीरा, तो कैसा लगा आपको? पहले हमने इस तरह से सीरा बनाया, ये कच्चा सीरा है। फिर हमने सीरे का हलवा बनाया, ये पका हुआ सीरा है। तो
थोड़ा प्रोसीजर लंबा था, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर चीज़ अच्छी बनी, स्वाद बनी। तो कैसे लगे आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।